गुड मॉर्निंग एम एम थर्ड सेम स्टूडेंट फोटोशॉप में आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लर टूल ब्लर टूल क्या होता है कि जैसे कि आप इमेज दे सकते हैं है ना ये किसी लेडी का इमेज है बैकग्राउंड में कोई नेचुरल सीन है उसको ब्लर किया क्या है ब्लर करने का मतलब ये होता है जो हार्ड पिक्सल्स होते हैं शार्प पिक्सल्स होते हैं उनको स्मूदर करना ठीक है स्मूथ बनाना तो वो आप देख सकते हैं एक हीज़ी दी, व्यू दिख रहा है है ना क्लियर कट वो दिखता नहीं है तो आजकल के पिक्चर्स में फोटोज में ऐसा चलन है तो ब्लर टूल क्या होता है द ब्लर टूल मेक्स द इमेज हेजी और इट जनरली यूज टू तो सॉफेन द हास्ट पिक्सल ऑफ एन इमेज ब्लर टूल करता क्या है कि किसी इमेज को हेज़ी बनाता है या तो फिर जो जो, जो हार्ड पिक्स होते हैं जो हार्श पिक्सल्स होते हैं उनको सॉफ्ट बनाता है ये ब्लर टूल इट कैन ऑल्सो एड एन आर्टिस्टिक इफेक्ट टू द इमेज एंड विच विल ओनली डिपेंड ऑन हाउ यू हैव अप्लाइड द टूल ठीक है ये आर्टिस्टिक इफेक्ट भी देता है ब्लर बनाते हुए किसी इमेज को किसी फोटो को द ब्लर टूल डिक्रीजेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पिक्सल दैट आर एडजस्टन टू ईच अदर ये करता क्या है जो पिक्सल्स आपस में जुड़े होते हैं उनके उनका जो कॉन्ट्रेस्ट लेवल है उसको डिक्रीज करता है द आइकन ऑफ द ब्लर टूल लुक्स लाइक अ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट है ना आप फोटोशॉप में यदि आप जाकर देखेंगे कि इसका आइकन दिखता कैसे है तो ये आप हम पाएंगे कि एक जो गिरता हुआ पानी का बूंद है उस टाइप से दिखता है यह इफ यू क्लिक ऑन डॉनर मेनू सॉरी there इज अ कपल ऑफ options इन द अपर options पैनल है ना प्रॉपर्टी पैनल के कुछ कुछ प्रॉपर्टी है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में दिस इज़ वन ऑफ द टूल दैट यूज़ द ब्रश टिप टू अप्लाई द इफेक्ट सो इट हैज द सेम ब्रश options एज इफ यू आर यूजिंग अ ब्रश टूल और अ इरेजर ठीक है तो इसका जो ब्रश है बिल्कुल इरेजर इरेजर का जो ब्रश होता है या तो नॉर्मली हम लोग पेंटिंग के लिए जो ब्रश टूल यूज़ करते हैं वैसा ही इसका वो जो टूल है वो दिखता है है ना इसका जो पॉइंटर है वो दिखता है वो ब्रश जो दिखता है टू रिड्यूस द ब्लर इफेक्ट यू कैन ऑल्सो चेंज द स्ट्रेंथ सेटिंग ऑफ द ब्रश तो इसमें एक ब्रश ब्रश में स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होता है इस पेंट ब्लर टूल में उसकी सहायता से ब्लरिश uh, का जो अमाउंट है जो क्वांटिटी है है ना हाउ मच ब्लर वी वांट टू मेक एन इमेज उस स्ट्रेंथ को वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज यूजिंग यूजिंग दिस स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे आप देख सकते हैं एक इस टाइप का मैं इमेज लेने वाला हूँ और ये जो चीज़ें हैं ना ये जो दिख रहा है नेचुरल चीज़ ट्रीज दिख रहे हैं उनको मैं ब्लर करने वाला हूँ तो ब्लर बनाने के बाद फोटो कुछ ऐसा दिखेगा तो चलिए हम लोग फोटोशॉप में चलते हैं हम उस इमेज को ओपन कर लेंगे ठीक है ये रहा इमेज है ना एज यूजल भाई मैं डुप्लिकेट कॉपी पे काम करना चाहूँगा ठीक और ओरिजिनल कॉपी है उसको मैं सॉरी दिस इज माई ओरिजिनल उसे मैं कर देता हूँ क्लोज और ये है मेरा आ, तो दिस इज देख लीजिए फलिंग वाटर ड्रॉपलेट जैसा इसका आइकन दिखता है और ये मैं ब्लर टूल सेलेक्ट किया हूँ आप देख सकते हैं ये एक ऑप्शंस तो दिख रहा है एक है ना तो ये ये ब्रश है और ये उसका प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बार है प्रॉपर्टी ठीक है उस टूल के प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं ब्लर टूल को जैसे सेलेक्ट करूँगा पहला जो प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं ब्रश का है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ हैं है ना देख सकते हैं ये तीन पिक्सल वाला ब्रश है ये पाँच पिक्सल वाला ब्रश है ये नौ पिक्सल वाला ब्रश है तो आप जैसे जैसे जिस आकार का आपको ब्रश चाहिए और जिस आकार का और पैरेलली साथ ही ऐसे कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं है ना तो जिस आ, आकार का और जैसे आ, जैसे साइज वाले और जैसे आ, व्यू वाले है ना ऐसे ब्रश आपका सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से ये मोड है ठीक है आप तरह तरह के इफेक्ट्स दे सकते हैं इसमें तो ये मोड प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ देखिए अगर ये हंड्रेड परसेंट है ठीक है तो अभी देखिए मैं ब्लर ब्लर अभी मैं है ना ये मेरा स्टार शेप में दिख रहा ब्रश उसको सर्कुलर बनाने के लिए ये देखिए स्टार बन गया क्योंकि मैंने स्टार नुमा आकृति यहाँ से चूज किया था यदि मैं नॉर्मल ब्रश यदि सेलेक्ट करता हूँ फिर कैप्स लॉक ऑन करूँ सॉरी 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 में मैं देता हूँ कैप्स ऑन किया तो आप देख सकते हैं सर्कुलर आ के अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ लेफ्ट क्लिक बटन क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं जो पीछे के जो सीनरी है जो ट्रीज हैं वो धीरे धीरे ब्लरिश होते जा रहे हैं ठीक है थेके? तो कुछ भी नहीं इस टूल का उपयोग जो है आप जनरली किसी फोटो के बैकग्राउंड को आप ब्लर करने के लिए इसका प्रयोग करते हो ठीक मैं कंट्रोल अल्ट अल्टजेड करता हूँ मेरा नॉर्मल इमेज हो गया अब देखिए मैं इसके स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को कम करता हूँ इसको मैं पाँच परसेंट करता हूँ स्ट्रेंथ को और मैं आता हूँ ब्लर टूल में तो अब आप देख सकते हैं ब्लर इफेक्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहा है मतलब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है ब्लर ठीक है और ये प्रॉपर्टी यूज ऑल लेयर अगर इस इमेज में मल्टीपल लेयर्स होते तो सारे लेयर्स को वो ब्लर करता तो है ठीक है तो इतना प्रॉपर्टी ये सिंपल सा टूल है ब्लर टूल जिसका उपयोग किसी फोटो के बैकग्राउंड को या फोटो को इमेज को ब्लर करने के लिए किया जाता है सो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे ब्लर टूल के बारे में आ, इस, इसको अच्छे से आप स्टडी करिए प्रैक्टिकल करिए नोट्स बनाइए थैंक यू